सामने देखिए प्लीज, फैमिली फोटो, फोटो फैमिली फोटो एंड बोल दो फैमिली फोटो विद तारक ब्लैक और बस लुक एट हियर अमित भैया भी हाँ सामने वो लाल है हाँ चार नहीं वो दूसरे वाले निकी नहीं बोलना है काटे निकी यस ये जला दो हाँ जला दीजिए एक ही जला थोड़ा बहुत उसके अभी तो जलाते ही नहीं कहीं बस एक ही जला मैं कहाँ दे रहा हूँ बहुत बोल रहा हूँ कहीं नहीं जला ये बोल रहा हूँ बस हम लोग क्या दिखाना गलत करेगा तेरे को अच्छा करेगा बस हो गया रे दादा मजा अरे मुकेश बस हो गया एक जला चला जल्दी फोटो भी निकालना हम लोग इसमें कॉन्ग्रेचुलेशन ओके लेट्स कट द केक काटो केक ये लीजिए चलो मेरी तलवार चलो बच्चे चाको एंड राइट हैंड सब लोग काटो फेस नहीं दिख रहा उसका कैमरा लुक मांगे सामने देखिए सामने 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 देखो आन सामने देखो आन सामने देखो सब लोग सामने देखो सबसे पहले इससे थोड़ा सामने देखो सामने देखिए प्लीज एंड बहुत बहुत ले लीजिए कपल लिटिल इन फ्रेम आप कर बस थोड़ा ये खा लेगा बस ये केक का क्यों ऐसा कीमा बन रहा है दीदी वाली जी अरे यार मामू मट्टी का लाइट आ रही है ये भी काटना है क्या वाली जी ना फोटो निकालो मोमबत्ती वो है जम रही है हाँ उन्हीं की दीदी बोलेगी सभी आया हाथ मत काट बुझा दो हाँ यस 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 आइए सब खाइए क्योंकि कारवां चलता रहे इसीलिए बस 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 छोड़ दे ये सब कुछ जम गया पूरी मोमबत्ती जल गई और किसको दूं मैं निकी बताना ठीक है मुझे तुम्हें खाना है आप खाओगे थोड़ा सा नहीं खाते हम नहीं खाते हम नहीं खाते ओके मैं बाइट्स के लिए कुछ क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ यहाँ से आन सामने देखिए बेटा आन आन सामने देखते रहिए आशुतोष शंकर शेखर चंद्रमौली चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा आशुतोष शंकर शेखर चंद्रमौली चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा कोटि नमन दिगंबरा निर्विकार ओंकार अविनाशी तुम्हें देवाधिदेव जगत सर्जत प्रलय करता शिवम सत्यम सुंदरा बस
वापस पीछे पकड़ो क्या इधर पीछे हाँ ठीक है और अब ठीक है ओके सो कैसा महसूस हो रहा है 100 एपिसोड्स कंप्लीट हो चुके हैं शो को जो जर्नी रही है वो एक एक करके बताइए कितनी स्पेशल रही है देखिए जो मुझे तो पता ही नहीं चला एकादशी में हम एकादशी मनाते हैं नवरात्र में हम नवरात्र मनाते हैं और बस शिव जी के भक्तों के साथ साथ हम भी इस सिलसिले में जुड़ते चले गए पता ही नहीं चला आज बहुत हमारे लिए आश्चर्य है कि हम 100 एपिसोड कंप्लीट कर रहे हैं मुझे लगता है कि ये सिलसिला आगे भी ऐसे ही चलता रहे और बहुत ही धन्यवाद दर्शकों का बहुत धन्यवाद चैनल का और मेरे सभी सहकर्मियों का महादेव की कृपा से और भी कई गाथाएं आप सबों के सामने हम लेकर आएंगे ऐसी उम्मीद करते हैं मौली बस पहले से हमने जैसे संदीप जी ने कहा कि लग ही नहीं रहा है कि 100 एपिसोड हो गया ऐसे लग रहा है कि उसी दिन हम यहाँ पे लॉन्च कर रहे थे और देखते देखते 100 हो गया सो इट्स बीन अ ब्यूटीफुल जर्नी और ये जो टीम है इट्स एक्चुअली कैमरा के लिए नहीं इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टीम हम बहुत बहुत स्वीट सिंपल एटमोसफियर है पीछे भी शिव्या सिद्धार्थ आज नहीं है दानिश है आन तो है ही कपिल हम सब इट्स अ वेरी स्वीट फैमिली फील होता है तो ये एक परिवार बन गया है तो मौली जी ने कभी महसूस होने नहीं दिया कि इतने बड़े स्टार के साथ हम सब काम कर रहे हैं बहुत ही ग्राउंडेड होकर बहुत अच्छे तरीके से मिलजुल कर काम करती है आप देख ही रही है किस तरह की यहाँ कैमेराडेरी है हमारे बीच तो बहुत अच्छा लगा इस टीम में जुड़कर संदीप जी का नहीं और आप सब मैंने इनके साथ कहीं किसी रोज में काम किया था 2002 में और उसके बाद अब काम कर रहा हूँ 2022 मौली जैसी तब थी अभी भी वैसी ही है और ईश्वर करे ऐसी ही रहे बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर है तो अच्छा लगता है यहाँ पे आर्टिफिशियलिटी कुछ नहीं सब कुछ जेन्युइन यहाँ पे हमारे सेट इज एक्चुअली लाइक अ परिवार बोलने के लिए नहीं आप अगर कभी भी हमें कैंडिड भी पकड़ेंगे तो हम सब एकदम घर जैसे ही बैठते हैं घर का खाना लेके शेयर करते हैं साथ में सो इट्स वेरी वेरी स्वीट एंड आई होप के हम और करें और ऐसा ही चले कपिल कम फॉरवर्ड आपकी जर्नी अभी आई मीन लाइक कुछ महीनों पहले ही शुरू हुई है शो के साथ अब तक का कैसा जर्नी रहा है बहुत ही शानदार मेरे लिए पहला अनुभव है एक राक्षस प्ले करने का तो मजा आ रहा है और मौली के साथ दूसरी बार काम कर रहे हैं तो बहुत आनंद आ रहा है और जिस तरह से शो कैरेक्टर मेरा डेवलप हो रहा है और जिस तरह से बाकी जो किरदार मैं देखता हूँ जब एपिसोड देखता हूँ तो बड़ा मजा आता है बहुत अच्छे से सब काम कर रहे हैं बच्चे बड़े क्यूट हैं बाकी जो एक्टर्स हैं बहुत अपनी अपने कैरेक्टर्स में बिल्कुल कहते हैं ना पूरी तरह से फिट है तो इट्स लाइक फन वर्किंग विद ऑल दिस गाइस ओके शिव्या मेरा तो नाम नहीं शिव है शिव या कुछ नहीं तो मुझे लगता है कि कुछ किरदार आपकी जिंदगी के बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और सब एपिटोम होते हैं वैसे मेरे लिए पार्वती है वैसे मेरे लिए बाल शिव है और जैसे दीदी ने बताया जैसे संदीप जी ने बताया कि हमारी टीम पूरी टीम मतलब सिर्फ एक्टर्स नहीं हमारी यूनिट हमारी स्पॉट से लेकर हमारी चैनल तक सब एक परिवार है हम साथ में हंसते हैं साथ में रोते हैं साथ में एक दूसरे को पॉजिटिव करते हैं तो ये 100 एपिसोड कब हो गए हमें पता ही नहीं चला और अभी भी हर दिन मैं सच में कह रही हूँ हर दिन हमें एक्साइटमेंट होती है सेट पे आने की बिल्कुल मोनोटोनस नहीं है और हम 1000-2000 और आपके साथ सेलिब्रेट करते रहेंगे तो बहुत अच्छी फीलिंग है आप सब आए हम चाहते हैं कि आप लोग और आए हर बार आए हमारे साथ ये कहानी जिए और बस कॉन्ग्रेचुलेशन आप सबको भी इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि मैं हर दिन जब शिव्या जी से मिलता हूँ सेट पर तो मैं इनसे आग्रह करता हूँ कि आप साइड बाय साइड एक एक्टिंग की थोड़ी ट्यूटोरियल हम लोगों को सिखाए क्योंकि बहुत कम लोगों को पता है कि इनकी बड़ी सिद्धस्ता है कि एक क्षण में ही ये करेक्टर में जाकर तुरंत इनकी आंखें जो है वो सजल हो जाती है आंसू निकल पड़ते हैं बहुत हम सब ये नहीं कर पाते हैं तो हम इनसे बारंबार सीखने की चेष्टा करते हैं और इनको कहते रहते हैं कि हमें सिखाइए मुझे लगता है कुछ और एपिसोड के बाद ये हमारा आग्रह मानेंगे नहीं सीरियसली वो शी इज सो गुड पहले दिन जब मैं शूट कर रही थी उसका बैक शॉट था मास्टर तो शी वाज क्राइंग मैंने बोला शिव्या आप क्यों रो रही है एनर्जी मत दे बोला नहीं दी मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा एंड आई एम लाइक हैट्स ऑफ टू हर बिकॉज एक एक्टर के लिए ना वो एनर्जी भी ड्रेन होता है जब आप करते हो तो
आई रियली एडमायर दैट क्वालिटी इन हर, मुझसे तो ये बहुत अच्छी एक टीम है। बाल कलाकार तो हमें इंस्पायर करते ही हैं, देख ही लिया वो, मगर बाकी सब भी जो है वहाँ एक से एक सब लोग हैं और बड़ा मिलजुल का बहुत आनंद आता है और हम एक साथ बड़े प्रेम पूर्वक काम करते हैं लगातार प्रतिदिन। और महादेव की कृपा से बहुत ही आनंद हमें सेट पर भी मिलता है, वही आनंद हम थोड़ा दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास भी करते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव।